हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं दोस्तों? जैसे कि मैं कार से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, जैसे कि सेकेंड हैंड कार, ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल रिलेटेड, तो एक मेरे पास कॉल आई। पंकज नाम था उनका और पुणे से कॉल कर रहे थे वो। उन्होंने कहा कि सर, मैंने नई गाड़ी अभी खरीदी थी, वैगनार, और लगभग 3 से 4 मंथ हुए हैं और हमारी कार की क्लच प्लेटें जल गई हैं। और कार उनको चलानी पहले से आती थी, उसके बाद भी उनकी गाड़ी की क्लच प्लेटें जल गई हैं। तो अभी जो नई वाली वैगनार आई है, उसकी थोड़ी हाइट ऊपर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि बगैर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बगैर पैर को उठाए हुए एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच को इस्तेमाल करना है टो से। तो कुछ गाड़ियाँ दोस्तों होती हैं जैसे कि जिनके पैंडल थोड़ा हाइट पे होते, ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर हमको पूरा पैर उठा के रखना होता है। जैसे आप स्कॉर्पियो ले लीजिए, इनोवा ले लीजिए, फॉर्च्यूनर ले लीजिए, ब्लोरो ले लीजिए, ये सब गाड़ियाँ हैं, तो इनके जो पैंडल हैं वो ऊपर होते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूँगा कि हमारी गाड़ी की क्लच प्लेटें क्यों ख़राब होती हैं, क्या रीज़न होता है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण हमारी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अक्सर लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनकी गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाती है और गियर बक्सा भी कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आप देख रहे हैं, जैसे ये कार है मारुति सुजुकी की ज़ेन गाड़ी, 4 सिलेंडर की गाड़ी है। 4 सिलेंडर का मतलब 4 पिस्टन की गाड़ी है। 1000 cc का इसका इंजन है और 5th गियर है, रिवर्स मिला के 6th गियर है। तो दोस्तों, मैं आज बताना चाहूँगा आप सभी को कि हमको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी, जिसके कारण हमारी गाड़ी का क्लच ख़राब हो जाता है, क्लच रिलीज बैरिंग ख़राब हो जाती है और गियर बक्से में भी प्ले आ जाता है। तो दोस्तों, अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि लोगों को लगता है कि क्लच दबाना, गियर डालना, वही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। जब भी हम क्लच दबा के गियर डालते हैं या फिर गियर को डाउन करते हैं या अप करते हैं, तो हम एक गलती करते हैं कि जो हमारा ये पैर होता है दोस्तों, ये हमारे जो पैर का वेट है, उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे कि A4 एक्सेलेटर B4 ब्रेक, ये तो पैटर्न हो गया आपका एक्सेलेटर ब्रेक। रही बात क्लच की, तो एक्सेलेटर जब आपको लेना होता है तो ब्रेक पे पैर नहीं होता, जब ब्रेक लेना होता है तो एक्सेलेटर पे पैर नहीं होता है। और इन सब गाड़ियों में क्या है, जैसे ये देख रहे हैं, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम बगैर पैर को उठाए हुए एक्सेलेटर ब्रेक को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमको ताकत ब्रेक में लगाना है, एक्सेलेटर बहुत स्मूथ होता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब भी हम क्लच का यूज़ करते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है, वो इतना ज़्यादा पैर, आप देख रहे हैं मेरी सूज को, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा टो होना चाहिए। जो चोंच वाले सूज होते हैं उसमें क्या होता है ना, थोड़ा पैर पीछे रहता है, लेकिन ये आप देख रहे हैं, ये मेरा पैंडल है गाड़ी का, और यहाँ पे इसको इस तरीके से, ठीक है। अगर पैर हमारा ऊपर ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा लोग क्या करते हैं, यहाँ से तलवे से क्लच को दबाते, दबा तो आपने दिया क्लच को, उसके बाद जब आप रिलीज़ करोगे पैर आपका पूरा उड़ गया, बट क्लच अभी भी दबा हुआ है, देख रहे हैं, ये देखो है। जब आप टो से इसको इस्तेमाल करोगे तो आप एड़ी को यहाँ रोक के रखोगे, एड़ी जो आपकी उसको हिलने नहीं दोगे, एड़ी को नीचे, आधे पैर को आप अपने नीचे दबा के रखोगे आधे, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर होता है। तो जैसे ही आप पैर को धीरे धीरे करोगे अपने आप क्लच, ये देखो पूरा पैर रिलीज़ हो गया ये, और क्लच पूरा छूट चुका है। तो ये मैंने दबाया था टो से, यहाँ से दबाने के बाद जब हमने एड़ी को रोक दिया और धीरे धीरे क्लच में ऑलरेडी प्रेशर होता है, क्लच पूरा रिलीज़ हो गया। जब लोग यहाँ से इस पॉइंट से क्लच दबाते हैं, ये पॉइंट जो आपका तलवे का पॉइंट होता है, फिंगर का नहीं, यहाँ से हमने क्लच तो दबा दिया, जैसे मर्जी दबाओ दब जाएगा, लेकिन जब उसको रिलीज़ करने का रीज़न होता है, तो हमने अपनी तरफ से तो उसको पूरा रिलीज़ कर दिया, देख रहे मेरा पैर पूरा आ चुका है अभी, लेकिन क्लच कहीं ना कहीं 10 से 20% दबा हुआ है, क्योंकि मैंने जो क्लच को पुश किया वो गलत तरीका है, दबाने का जो तरीका वो गलत है। एक तरीके से देखा जाए तो हमने क्लच पूरा रिलीज़ कर दिया है, क्योंकि आधा पैर अभी हमारा पैंडल पे चढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये देखो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये आधा पैर हमारा क्लच पे, अब ये हमने क्लच छोड़ा, ये देखो है, इतना प्ले था, इतना ये
अब जब हम यहाँ से इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने आप पूरा क्लच। और एक चीज़ और भी है कि जितनी बार हम क्लच दबाएंगे ना और रिलीज़ करेंगे, पैर हमारा ऊपर खिसक जाता है। जैसे आप ये नोटिस करिए, जैसे ये मैंने क्लच दबाया और वापस क्लच को रिलीज़ किया। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पैर हवा में लेके आते हैं, ठीक है, तो क्लच झटके से छूटता है। कभी भी आपको ये गलती नहीं करनी, जब भी आप क्लच को दबा दो, दबाने के बाद एड़ी को एक जगह नीचे रोक लो, एड़ी को उठाओ मत, नीचे मैट पे चिपका के रखो। धीरे 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 क्लच को छोड़ोगे पैर। अब पैर मेरा देखो 3 इंच ऊपर खिसक गया 3 इंच, ये देख रहे हो टो। अब दोबारा दबाने के लिए पहले पैर को मैं फिर अपने सही डायरेक्शन पर लेके आऊँगा, फिर दबाया, फिर मैंने रिलीज़ करा, अब ये देखो फिर 3 इंच पैर मेरा ऊपर खिसक गया। तो हर बार हमें पैर को अपने सही पॉइंट पे लेके आना, ये दबाया और ये रिलीज़ किया, फिर पैर ऊपर खिसक गया। तो सभी लोगों के साथ होता है ये। तो गलती कहाँ पे करते हैं, जैसे हमने क्लच दबाया, रिलीज़ किया, फिर दबाया, फिर रिलीज़ किया, अब देखो आधे से ज़्यादा 4 इंच पैर मेरा ऊपर खिसक गया। अब फिर मैंने दबाया, फिर रिलीज़ किया, आधा पैर मेरा पैंडल के ऊपर पहुँच गया। तो ये आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है। तो हर बार हमको करना है क्या, जब भी क्लच दबाया, रिलीज़ किया हल्का सा क्लच को, फिर पैर पीछे खिसका लिया, फिर दबाया, फिर रिलीज़ किया। और गलती हम कहाँ पे करते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे क्लच दबा के गियर डाल दिया, क्लच दबाया और ये हमने गियर डाल दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हल्का एक्सेलेटर लेने लगते हैं। अभी ये चीज़ प्रॉपर मैं करके आपको दिखाऊंगा। इंजन ऑन हो चुका है गाड़ी का और अभी मेरी कार में कोई भी नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ। और अब ये गियर डाल दिया। अब कुछ लोगों की आदत होती है कि क्लच को प्रॉपर रिलीज़ नहीं करते हैं, हमेशा गलती कहाँ करते हैं हम, हमको क्लच को पहले रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि बगैर एक्सेलेटर के भी कार फर्स्ट गियर में सेकंड गियर में मूव कर जाती है। जैसे मैंने एक्सेलेटर से पैर हटा लिया, अभी मैंने धीरे धीरे क्लच को रिलीज़ कर दिया, गाड़ी अभी 20-30% मैंने क्लच छोड़ा है, आप इस साइड देख सकते हैं। अब ये गाड़ी रोड पर धीरे धीरे, मेरा पैर देखो एक्सेलेटर पर नहीं है कोई पैर, अब धीरे धीरे मैंने क्लच को रिलीज़ किया, अब गाड़ी मेरी धीरे धीरे चलनी स्टार्ट हो गई। अब मैंने क्लच लिया और ब्रेक ले लिया वापस, गाड़ी फिर वापस स्टॉप हो गई। तो हम गलती क्या करते हैं, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि क्लच को पूरा रिलीज़ नहीं करते। जैसे मैंने देखो कितना क्लच छोड़ा, भी क्लच पूरा रिलीज़ करने का मतलब नहीं है, क्लच को उतना रिलीज करो जितने में गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाए। वो कैसे पता चलेगा, अब देखो जैसे धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ा, अब ये देखो गाड़ी चलनी स्टार्ट हो गई। इसको कहते हैं गाड़ी गियर में एक्टिव होना। गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, मैंने पूरा क्लच ले लिया, गाड़ी डीएक्टिवेट हो गई। कुछ गाड़ियों में क्या होता है, हम 95% क्लच को छोड़ते तब गाड़ी गियर में एक्टिव होती, कुछ गाड़ियों में 50% क्लच छोड़ने पे गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती, कुछ गाड़ियों में 20-30% क्लच छोड़ने पे गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती। तो वो डिपेंड करता है हमारे क्लच के ऊपर कि हमारी गाड़ी का क्लच किस सिचुएशन में है, क्लच में कितनी प्ले है, कितना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो अक्सर क्लच प्लेटें फूकने का जो कारण होता है वो होता है कि हमने क्लच को पूरा रिलीज़ नहीं करा और एक्सेलेटर देना स्टार्ट कर दिया। देख रहे हैं आप, अब मैंने क्लच को भी रिलीज़ नहीं किया, गाड़ी गियर में एक्टिव नहीं हुई और मैंने एक्सेलेटर देना स्टार्ट कर दिया। अब देख रहे हैं इंजन साउंड कर रहा है, अब एक्सेलेटर ज़रूरत से ज़्यादा हम ले रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्लच प्लेटें हमारी गाड़ी की फूकती हैं। तो दोस्तों हमको करना क्या है कि जब भी हम गाड़ी को गियर में डालने के बाद पहले हम एक बार समझ लें कि हमारी गाड़ी का कितना क्लच रिलीज़ करने के बाद गाड़ी गियर में एक्टिव होती है। अब देखो धीरे धीरे मैंने क्लच छोड़ा, 30-40% क्लच छोड़ा, अभी देखो गाड़ी गियर में एक्टिव। कोई भी गाड़ी है बगैर एक्सीलेटर चलती, गाड़ी गियर में एक्टिव हो गई, धीरे धीरे चलने लगी, आप देख सकते हैं। मैंने फिर क्लच लिया, ब्रेक ले लिया। और एक गलती और भी है क्लच जलने का, क्लच प्लेटें फूकने का कारण, जैसे ये तो था गाड़ी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए ये गाड़ी हमने रेड लाइट पे रोक दी, क्लच लिया, ब्रेक लिया, गाड़ी रोक दी। अब उसके बाद क्या किया, गाड़ी को सेकंड गियर में ही है, अब जैसे ये चल रही थी सेकंड गियर में, अभी मैं आपको ये करके प्रॉपर दिखा देता हूँ, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा के। अब मैंने सेकंड गियर में गाड़ी को बढ़ा दिया। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे ट्रैफिक में जाम में चल रहे हैं, अब हमने क्या करा, क्लच ले लिया और ब्रेक ले लिया, गाड़ी प्रॉपर रोक दी, रुक गई। अब ये सपोज करो रेड लाइट है, अब ये गाड़ी हमारी है दूसरे गियर में, ठीक है, और मैंने क्लच लेके ब्रेक ले रखा है, क्लच पूरा दबा रखा है, ब्रेक छोड़ दिया। अभी क्या है, आगे की गाड़ियां बढ़ गई, बढ़ने के बाद अब हमने गलती हम बहुत बड़ी जो करते हैं, बहुत बड़ी गलती कि हमने गाड़ी का गियर नहीं चेंज किया और गाड़ी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब गाड़ी दूसरे गियर में है तो दूसरे गियर की मिनिमम स्पीड होती है 20, मैक्सिमम होती है 30, फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो होती है 10-20। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि गाड़ी को जब भी हम बढ़ाएं तो फर्स्ट गियर में करके, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेलेटर जरूरत से ज्यादा ले लेते हैं। देखो
एक्सीलेटर जरूर से ज्यादा ले लिया, इंजन वाइब्रेट कर रहा, घों 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 कर रहा है, इसमें क्लच प्लेटें जल रही हैं अब गाड़ी की, और गाड़ी को दूसरे गियर में उठा दिया। अब 50 केजी की और 100 केजी आप उस पे रख दोगे तो भाई दबना तो है ही है। कैसे तो आप हमेशा कोशिश ये करें जब भी गाड़ी को रोकने के बाद वापस बढ़ाएं तो हमेशा उसको फर्स्ट गियर में करके फिर कार को बढ़ाएं, गाड़ी बगैर एक्सीलेटर धीरे से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें फूकती हैं। जब भी गाड़ी आप रोकें फर्स्ट गियर में करके वापस बढ़ाएं, जब भी रोकें तो कभी भी आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें नहीं जलेंगी। दूसरी चीज कि जब आप थर्ड फोर्थ गियर में गाड़ी को चलाएं तो सबसे पहला काम है कि जब क्लच का काम खत्म हो जाए तो क्लच वाले पैर को, आजकल जितनी गाड़ी आ रही है उसमें लेफ्ट में एक डेड पैंडल होता है, क्लच को कोशिश करें ना कि क्लच पे, जब आप क्लच पे पैर रखते हैं तो आपके पैर का इतना वेट होता है ऑलरेडी कि वो क्लच के भी थोड़ा सा वो दबा ही रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।